दिस इज़ द एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. क्वेश्चन फर्स्ट हम देखेंगे, व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. एटमॉस्फेयर हमारा थिन ब्लैंकेट है जो अर्थ के सराउंड में. इट्स प्रोटेक्टर्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल गैसेस इन विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन. इसमें क्या हार्मफुल से बचाता है, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बहुत सारे गैसेस में क्या होते हैं, मिले होते हैं. नाउ सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन, विच टू गैस मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर. तो हमारा जो आंसर सेकेंड होगा, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर. हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर. किस गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है एटमोसफेयर में? तो आंसर थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर. कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है. नाउ फोर्थ, वॉट इज वेदर. वेदर क्या है? वेदर इज आउट वॉट डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर. नेम थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल. क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, नेम थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल. क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर देखेंगे तो जो थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल है, फर्स्ट कन्वेक्शनल रेनफॉल, और उसके बाद सेकेंड है जो एरोग्राफिक रेनफॉल, एंड थर्ड जो है साइक्लोनिक रेनफॉल है. नाउ क्वेश्चन सिक्स, वॉट इज एयर प्रेशर. आंसर इज दैट द प्रेशर एग्जर्ट बाई द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सर्फेस इज नोन एज एयर प्रेशर. हम लोग देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन को, या टिक द करेक्ट आंसर को. तो फर्स्ट को हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज. ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन सी ओजोन. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी ओजोन जो है करेक्ट है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज. ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन सी मेसोस्फेयर. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. नाउ हम लोग थर्ड में चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर. तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड क्वेश्चन का बी स्ट्रेटोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर. तो थर्ड बी हो जाएगा. नाउ फोर्थ, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर द प्रेशर. ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, सी रिमेन द सेम. तो फोर्थ क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी डिक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ का बी हो जाएगा. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड. ऑप्शन ए क्लाउड, ऑप्शन बी रेन, ऑप्शन सी स्नो. तो हमारा फिफ्थ का जो है बी ऑप्शन रेन इज करेक्ट. नाउ मैच द कॉलम हम लोग चेक करेंगे. तो फर्स्ट जो है ट्रेड विंड्स को हम लोग मैच करेंगे ई से, परमानेंट वी. फर्स्ट को ई से मैच करेंगे. सेकंड जो है हमारा लू, लू जो है हमारा क्या है ऐप से मैच करेंगे, लोकल विंड है. थर्ड जो है मानसून, मानसून क्या है हमारा बी से मैच करेंगे, सीजनल विंड है. नाउ फोर्थ जो है विंड जिसको हम बोलते हैं, इसको हम सी से मैच करेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. क्वेश्चन फोर, गिव रीजंस. फर्स्ट क्वेश्चन, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन द ह्यूमिड डे. ह्यूमिड डे में क्या होता है, ज़्यादा समय लेता है कपड़े को सूखने में. तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे. आंसर फर्स्ट, तो जो है ऑन अ ह्यूमिड डे द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर. ह्यूमिड डे में क्या होता है, जो एयर होता है वाटर वेपर से पूरी तरह क्या होता है, फुल रहता है, पूरी तरह से मॉइस्चर से भरा होता है. हेंस एवापोरेशन इज वेरी स्लोली, इससे एवापोरेशन बहुत स्लो हो जाता है. दिस इज द रीजन वाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे.
हम लोग गिव द रीजन का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स. जो सूर्य का जो तपन है वो क्या है, इक्वेटर से पोल की तरफ क्या है, घटता जाता है, ऐसा क्यों. तो हम लोग देखेंगे आंसर जो है सेकेंड, इंसोलेशन कम्स थ्रू वर्टिकल रेज ऑन इक्वेटर. इक्वेटर पे क्या है, जो सूर्य ताप इंसोलेशन है वो ज़्यादा होता है. थस इट कवर्स अप लेस स्पेस बट वी फील मोर हीट देयर व्हेन इट गोज अप फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल द सन डज बिकम सेंटर. तो इक्वेटर पर सनरेज क्या है, वर्टिकली पड़ता है, इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है. जब पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो सन का रेस स्लैंटिंग हो जाता है. नीडलेस टू से दैट स्लैंटिंग रेस कम ऑन द अर्थ कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंस ऑल्दो दिस स्लैंटिंग रेस हीट अप मोर स्पेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज फेल्ट लेस. दिस इज द रीजन वाई अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स. कंप्लीट एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन. थैंक यू यू ऑल.